अगर गुरुओं को हम अपनी शर्तों में बांधेंगे तो कोई ना कोई अड़चन होने वाली है। और सचमुच कोई गुरु हुआ, बुद्ध हुआ, तो वो हमारे इस मानसिक खेल में कोऑपरेट करने वाला नहीं, तब तो वो देखने वाला ही नहीं। अगर आपने सोच लिया और उसको वो वाइब पहुंच भी गई, तब तो वो ऐसे ही चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि ये सारी बातें हमारे अहंकार को तृप्त करती हैं कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ, या मेरी भक्ति या मेरी साधना इतनी महत्वपूर्ण है कि मुझको इम्पोर्टेंस मिलेगी। है तो वहाँ हजारों लाखों लोग, तो इस चीज़ों की कैटरिंग होनी नहीं चाहिए, इनकी जो बातें हैं उठनी नहीं चाहिए। बात ही है, कोइंसिडेंस ही उसको मानना चाहिए। और सचमुच में भी अगर हुआ हो तो भी उसे कोइंसिडेंस ही मानना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही उच्च कोटि का गुरु, गुरुओं में भी कोटियां होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, हर गुरु एक ही जगह पर नहीं होता। एक ही जैसा रोल करते हुए सारे गुरु एक जगह नहीं होते। तो जो बुद्धाज हैं, उस हायर डायमेंशन से डील करें, वो हमारे अहंकार को कोई कैटरिंग नहीं करते, वो तो अहंकार के ऊपर शेर की तरह काम करते हैं, उसको बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। तो जिस दिन आपने सोचा कि मुझको पलट के देखेंगे, उस दिन तो आपको हो सकता है महीनों लाइन में खड़ा रहना पड़े, जब तक आपका अहंकार चूर चूर होकर नहीं बिखर जाएगा। क्योंकि उनको तो उसी पे काम करना है, आपके अहंकार को बढ़ावा थोड़े देना है। आप आए, विजन, मैंने विजन देखा, विजन में ये देखा, उनका मन हुआ, देखा कि आपकी यात्रा ठीक चली, तो बात कर लेंगे उस पर। लेकिन अगर विजन वगैरह के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार को, तो विजन की धज्जियाँ उड़ा देंगे। मैं भी करता हूँ, आप देखते हैं, विजन किस चीज का, विजन क्या होगा उससे तुम्हारे जीवन में, क्या फर्क पड़ेगा। तुम कहोगे मुझे ध्यान में अनुभूति हुई, क्या अनुभूति से तुम्हारा होने वाला है। तुम बड़ी अहंकार की यात्रा करके आए थे, आज तो बड़ी भारी अचीवमेंट हो गई, नीला प्रकाश दिख गया मुझको, कमल खिल गया खोपड़े के ऊपर, और आए और गुरु ने कहा कि अपना कमल अमल लेके यहां से निकलो, तुम्हें बड़ा धक्का लगेगा, लो इतनी मुश्किल से तो खिलाया, और ये कह रहे हैं कमल का कोई मतलब नहीं। वर्ड्स मैजिकल होते हैं, इसीलिए वर्ड्स का भी उपयोग, मैं यूं नहीं कहता कि वर्ड्स को बिल्कुल बेकार समझो, मैजिकल है, उनका उपयोग भी अगर आप करते हैं तो कुछ चीज़ें बदलती हैं। क्योंकि शब्द अपनी ऊर्जा पैदा करते हैं और आपकी कंडीशनिंग पैदा करते हैं, आपके अंदर इमेजेस पैदा करते हैं। तो अगर आप कहते हैं आप मेरी सहायता करें, तो आप बड़े कन्फाइंड हो जाते हैं, किसी से भी आप कहें सहायता, तो देखिए व्यक्ति मांगता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सहायता मांगना यानी सहायता का भाव रखना, भाव रखना, मांगने की बात नहीं, भाव रखना। क्योंकि हर भाव तो है ही है, आप अभी यहाँ बैठे हैं तो हर तरह की सहायता का भाव है, कुर्सी तो भी सहायता ही तो है, आपको सपोर्ट दिया है उसने, बिठाला है तो सहायता ही है आपको, हर चीज़। आपने पानी लिया तो गिलास ने आपकी सहायता करी है। तो लेकिन जब आप सहायता की भावदशा में होते हैं, तो पूरे यूनिवर्स से वो आपके सामने आती है। और अगर गुरु भी सहायता आपकी करना चाहेगा, या बुद्ध भी कोई सहायता आपकी करना चाहेगा, तो डायरेक्ट आए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। आप तो उसी जिद में बैठे हैं, बस वो आके कुछ करने वाला है, बस वो शुरू हो जाएगी तरह तरह से, अनेक उपायों से, अलग अलग तरह से। उसके लिए हमको खुला रहना चाहिए, ग्रहणशील रहना चाहिए, वो शुरू हो गई, प्रोसेस शुरू हो गया, आपने उसका भाव किया, वो प्रोसेस शुरू हो गया, ऐसे ही होता है।